दोस्तों, क्या आप भी अपने बजरी तोतों से ब्रीड लेने के बारे में काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं, लेकिन आपके बजरी तोते हैं कि ब्रीड करने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, ब्रीड ही नहीं करना चाहते हैं? तो करिए कुछ बदलाव, करिए कुछ चेंजेस और देखिएगा कि आपके बजरी तोते जो अभी तक जो है ब्रीड करना नहीं चाहते थे, आपके यहाँ पर भी ब्रीडिंग स्टार्ट होगी और आपके घर पर भी अंडे और बच्चे आएंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ बदलाव बताऊँगा जो आप अपने बर्ड्स के साथ उनकी डाइट में करें, उनके केज में करें और उनके साथ कुछ एक्टिविटी में कुछ चेंजेस करें, तो देखिएगा कि आपके बर्ड्स जो अभी तक जो है ब्रीड नहीं करना चाहते थे, वो बर्ड भी आपके ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, वीडियो को पूरा देखें। और जो भाई हमारे चैनल पेट्स विद फातिमा से पहली बार जुड़े हैं, तो भाई बजीज पैरेट की ब्रीडिंग से रिलेटेड हर तरह की वीडियोस हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो भाई प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। देखिए दोस्तों, अगर आपके बर्ड्स काफ़ी टाइम से ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ बदलाव करने होंगे। तो सबसे पहला जो चेंज मैं आपको बता रहा हूँ, वो आपको करना ये है कि आपने अपने बजीज पैरेट के केज के अंदर मटकी या फिर बॉक्स लगा रखा है, आपको उसको चेंज करना है। यानी आपने अगर मटकी लगा रखी है, तब आप ऐसा करें ब्रीडिंग बॉक्स लगा कर देखें, और अगर आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगा रखा है तो आप मटकी लगा कर देखें। देखिए, होता ये है कि बहुत से बजीज पैरेट की फ़ीमेल जो होती हैं वो मटकी को जल्दी सिलेक्ट करती हैं, और बहुत सी फ़ीमेल ऐसी होती हैं जो ब्रीडिंग बॉक्स को प्रीफर करती हैं, उसको पसंद करती हैं। तो अगर आपकी फ़ीमेल, आपने मटकी या बॉक्स लगा रखा है, काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन वो उसके अंदर जाती नहीं है, बैठती नहीं है, तब आप इस बदलाव को करके देखें। आपने अगर मटकी लगाई है तो मटकी को हटाकर एक ब्रीडिंग बॉक्स लगाएं आप केज के अंदर, और अगर आपने ब्रीडिंग बॉक्स लगा रखा है तो उसको हटाकर आप मटकी लगाएं, तो देखिएगा ये चेंज आपका सक्सेसफुल रहेगा। आपकी फ़ीमेल जो है उस मटकी या बॉक्स में जाकर ब्रीडिंग करना स्टार्ट कर देगी। अब दोस्तों, नेक्स्ट चेंज जो करना है आपको, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, कभी कभी होता ये है कि हम जिस जगह अपने बर्ड के केज को रखते हैं, वो लोकेशन हमारे बर्ड को सूट नहीं कर रही है, उसको ब्रीडिंग का वहाँ माहौल नहीं मिल रहा है, वहाँ पर उसकी जो एटमॉस्फेयर है वो उसको पसंद नहीं आ रहा है, जिस वजह से वो बर्ड जो हैं ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपको करना ये चेंज है कि आपको उस केज की, जहाँ पर आप काफ़ी टाइम से उस केज को रखे हुए थे, अब आप उसकी लोकेशन चेंज करें। हालांकि मैं अपनी वीडियोज़ में बताता हूँ कि भाई केज की लोकेशन चेंज नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो तब के लिए बताया जाता है दोस्तों, जब आपको कुछ टाइम हुआ है बर्ड लाइवे और आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपका केज एक ही जगह काफ़ी टाइम से रखा है, उसके बावजूद भी आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये चेंज ज़रूर करना है कि आप उस केज को किसी दूसरी जगह शिफ्ट करें, देखें कोई और सूटेबल जगह जहाँ का माहौल बर्ड्स को अच्छा सूट करे, तो आप उस जगह पर केज को शिफ्ट कर दें। कभी कभी होता यह है, जिस जगह हमारा केज रखा होता है दोस्तों, वो जगह बर्ड को पसंद नहीं आ रही होती है, उन्हें वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होता है, तो आप केज की जगह चेंज करके देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। काफ़ी भाइयों को देखिएगा, इस वजह से ही उनके यहाँ पर ब्रीड हो जाएगी। अब दोस्तों, तीसरा चेंज जो आपको करना है वो ये है कि आपका जो केज है, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ दोस्तों, इस तरह के जो फैंसी केजेस होते हैं वो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन ये ब्रीडिंग के पर्पस से केज सही नहीं होते हैं। अगर आप अपने बर्ड से ब्रीड लेना चाहते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरह के जाली वाले थोड़े बड़े साइज़ के केज आपको लेने होंगे, लगभग 2x2 के या 1.5x2 का केज आपको रखना होगा। ये फैंसी केजेस जो होते हैं, इनमें एरिया बहुत कम होता है, अगर आप इसके अंदर मटकी फिट करेंगे तो बिल्कुल स्पेस नहीं रहता है, इस वजह से बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं। तो आपको तीसरा जो चेंज करके देखना है, वो केज के अंदर चेंज करें, आप दूसरा तरह का, जिस तरह का मैं केज आपको बता रहा हूँ, उस तरह का केज लेकर आएँ, तो देखिएगा कि आपके बर्ड ज़रूर ब्रीड करेंगे।
अब दोस्तों चौथा चेंज आपको जो करना है वो ये है कि आपने केज के अंदर अगर झूले और स्टिक वगैरह जो लगा रखी है, अब आप वो झूलों को निकाल दीजिए और जो स्टिक आपने लगा रखी है उस स्टिक को चेंज करें। दूसरी जो स्टिक मैं आपको बता रहा हूँ, लकड़ी की स्टिक होनी चाहिए, गोल और चिकनी स्टिक नहीं होनी चाहिए, लकड़ी की खुरदरी स्टिक हो, उसको आप मजबूती से बांध कर केज के अंदर लगाएं। तो अगर आपके केज के अंदर जो है कोई लोहे की स्टिक लगी हुई है या फिर जो है गोल लकड़ी की चिकनी स्टिक लगी है तो आप उसको चेंज करें, झूले वगैरह हटाएं। ये बदलाव करेंगे तो देखिएगा कि आपके बर्ड्स ब्रीडिंग की एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देंगे। अब पांचवा जो आपको बदलाव करना है वो ये है दोस्तों कि आपको कुछ टाइम तक रोज़ डेली लगभग एक वीक तक बैठकर अपने बर्ड्स को देखना है। आपको ये देखना है कि आपका कौन सा बर्ड ऐसा है जो ब्रीडिंग में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, ब्रीडिंग की एक्टिविटी नहीं कर रहा है। आपको ये देखना है कि क्या आपका मेल जो है वो ब्रीड करना चाहता है, मैटिंग करना चाहता है, फीमेल नहीं करने दे रही है, तब आपको उस फीमेल को लाजमी चेंज करना होगा। और अगर आपका फीमेल रेडी है, मेल मैटिंग नहीं करना चाहता, कोई रिस्पांस नहीं दे रहा, तब आपको मेल को चेंज करना होगा। देखिए अगर आप इन बर्डों को ही रखते रहेंगे, उनमें चेंज नहीं करेंगे तो कभी ब्रीड होने वाली नहीं है। देखिए जो ब्रीड करने वाले बर्ड होते हैं वो मैक्सिमम एक मंथ में जो है ब्रीड कर देते हैं। तो आप कुछ टाइम तक अपने बर्ड्स के पास बैठें, गौर से देखें, उन्हें देखें किसके अंदर कमी है, आपका मेल या फीमेल कौन सा ब्रीडिंग का एक्टिविटी नहीं कर रहा है उसको चेंज करें। अगर दोनों ही बर्ड आपके सुस्त हैं तो आप उन दोनों को ही चेंज करें। आप ये ना सोचें कि नया बर्ड आएगा तो वो पता नहीं ब्रीड करेगा या नहीं, पेयर लगेगा या नहीं। देखिए सब कुछ हो जाता है, जब तक आपके बर्ड ब्रीड नहीं करते हैं तब तक आपका जो है पूरा मकसद पूरा नहीं होता है। तो खाली पेयर लगने से, फीमेल के मटकी में जाने से ब्रीड नहीं होती है जब तक पूरा प्रोसेस ना हो। तो अगर काफ़ी टाइम आपके बर्ड हो गया है, खाली चोंच मिलाते रहते हैं, दाना खिलाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते, तो आपको अपने बर्ड्स को भी चेंज करना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट बदलाव जो करना है आपको वो ये करना है, उनकी डाइट में चेंज करिए। देखिए खाली कंगनी खिलाने से काम नहीं बनने वाला है। बहुत से भाई खाली कंगनी खिलाते हैं, कोई भी सॉफ्ट फूड नहीं खिलाते हैं। उनका कहना ये होता है कि हमारे बर्ड सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं। तो भाई सॉफ्ट फूड नहीं खाते हैं तो आप उनको खिलाना सिखाएं। उसको किस तरह से खिलाना होगा आप कमेंट करें तो मैं उस पर प्रॉपर वीडियो बना दूंगा कि सॉफ्ट फूड किस तरह से खिलाना सिखाना चाहिए अपने बर्ड को। तो आप डेली चेंज कर करके सॉफ्ट फूड खिलाया करें, बॉयल राइस खिलाया करें, भीगे हुए गेहूँ खिलाएँ, भीगी हुई रोटी खिलाएँ, और आप जो है हरा धनिया खिलाया करें बर्ड्स को। तो ये सब चीज़ें आप डाइट में चेंज करेंगे तो देखिएगा कि आपके बर्ड्स के अंदर जो विटामिन्स वगैरह की कमी होगी वो पूरी हो जाएगी और आपके बर्ड ज़रूर ब्रीड करेंगे। एक लास्ट बदलाव और करना है आपको। देखिए बर्ड्स को जब तक प्राइवेसी नहीं मिलती है वो ब्रीड नहीं करते हैं। तो कोशिश ये करें अपने केज, जो आपका बर्ड का केज है, उसको दो तीन साइज से कवर करके रखें। हालांकि अभी गर्मी है तो आप जो है कम साइड से कवर करें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है केज को कवर करने से काफ़ी फ़ायदा मिलता है। बर्ड्स को आसपास का माहौल नज़र नहीं आता है, डिस्टरबेंस नहीं मिलता है देखने को, तो बर्ड को प्राइवेसी मिलती है और वो ब्रीड करते हैं। तो कोशिश करें आप केज को थोड़ा सा कवर करके रखें और जब विंटर का सीज़न आए तो आप उसको तीन साइड से कवर करें और उनकी छत को भी कवर करके रखें, तो देखिएगा कि आपके बर्ड्स को प्राइवेसी मिलेगी और वो ब्रीड भी करेंगे। तो ये कुछ बदलाव हैं, ये कुछ चेंजेस आप करके देखें दोस्तों, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।